रविवार का दिन हरियाणा में कई तरह से खास रहा। क्रिसमस डे, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती, हरियाणा सरकार का सुशासन दिवस और पीएम की मन की बात, ऊपर से प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना चिरायु कार्ड का वितरण। पानीपत में सुशासन दिवस का शहरी कार्यक्रम जिला सचिवालय में हुआ तो ग्रामीण स्तर का कार्यक्रम पानीपत ग्रामीण के बीजेपी विधायक महिपाल ढांडा के ससुराल के गांव खोतपुरा में। सबसे पहले सबने पीएम के मन की बात सुनी। मन की बात के श्रोताओं को मैं कर्नाटका के गडक जिले में रहने वाले कवेम श्री जी के बारे में भी बताना चाहता हूँ। कवेम श्री दक्षिण में कर्नाटका की कला संस्कृति को पुनर्जीवित करने के मिशन में पिछले 25 वर्षों से अनवरत लगे हुए हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि उनकी तपस्या कितनी बड़ी है। जिला सचिवालय में मौजूद राज्यसभा सांसद कृष्ण पवार। मैं हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस सुशासन दिवस के ऊपर हरियाणा प्रदेश को कई घोषणाएं की हैं, जिससे आम जनमानस को उसका लाभ मिलने वाला है। बीपीएल के कार्ड और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच थी, देश का वो गरीब व्यक्ति जो पैसे के भाव की वजह से अपना इलाज नहीं करवा पाता था, करोड़ों करोड़ों लोगों की मृत्यु हो जाती थी। पानीपत के खोतपुरा गांव में ग्रामीणों में उत्साह इसलिए ज्यादा था कि उनका बटेव बतौर विधायक उनके बीच मौजूद था। विधायक ने प्रतीक के तौर पर कुछ ग्रामीणों को चिरायु कार्ड भी दिए, पर नए साल पर दो बड़ी और नई घोषणाएं करके खूब तालियां बटोरी। अभी तो हम लोग 1,80,000 रखे है, चिंता मत करें, अगले साल तक हम लोग इसको 3 लाख के पार लेके जाने वाले हैं, जिसकी इनकम 3 लाख रुपए से कम है, और फिर उससे अगले साल इसको हम लोग 6 लाख तक लेके जाने वाले, ताकि हरियाणा का हर एक ऐसा परिवार वो इलाज के अभाव में कहीं अपनी जान ना दे, अपने अंग वो विक्षिप्त ना होने दे, किसी भी प्रकार की बीमारी है उस बीमारी का इलाज करने में सरकार उसके साथ खड़ी हो। गौरतलब है कि देश में एम्स की जो 4 बड़ी लैब खुलनी हैं, उनमें उत्तर भारत की लैब पानीपत के गांव खोतपुरा में 12.5 करोड़ की लागत से शुरू की जाएगी। विधायक की इस घोषणा पर ग्रामीणों की खुशी देखने लायक थी। मगर आपके यहाँ तो मैं एक ऐसी चीज बढ़ा रहा हूँ कि आपके यहाँ से तो लाखों लोग उसका फायदा लेंगे। ITI की जगह यहाँ पर ऑल इंडिया हॉस्पिटल की एम्स की एक लैब बनाने हम लोग जा रहे हैं, उसका क्या रहा है तो कल्पना चावला से वो अटैच करना, तो क्या रहा है देवेंद्र भाई उसके के साथ अटैच करके यहाँ पे देना था, उसके 12.5 करोड़ रुपए भी आए हुए हैं। गौरतलब है कि मोदी सरकार की आयुष्मान भारत योजना का मनोहर सरकार ने दायरा बढ़ाकर सालाना 1,80,000 की आमदनी वाले परिवारों को इसमें कवर किया है। आगे चलकर सालाना 3 लाख की आमदनी वाले परिवारों को भी इसमें शामिल करने की योजना है, यानी नए साल पर एडवांस में सौगातें। ये हुई ना बात। कैमरामैन राजेश कुमार और सहयोगी श्रीनिवास के साथ वीरेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।